सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस लॉन्च पूल के न्यू टोकन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों TLM। दोस्तों इस टोकन का नाम अगर जाने तो एलियन वर्ड्स इस टोकन का नाम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होती है TLM। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने अपने टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन दी थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे या आपने ओपन किया होता तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता। तो ये टोकन दोस्तों क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर इसे फ्री अर्निंग कर सकते हैं, ये दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने BUSD को और अपने जो आपके पास BNB है उसे स्टैकिंग करके इस ये जो टोकन है उसे आप फ्री में ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस लॉन्च पूल और बाइनेंस लॉन्च पैड में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बाइनेंस लॉन्च पैड में बहुत सारे बाइनेंस के प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक इस तरह दोस्तों बाइनेंस लॉन्च पूल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और दोनों के कुछ कुछ अलग डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक को। लेकिन वीडियो शुरू करने पर दोस्तों रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारी YouTube चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जहां दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां दोस्तों जो भी लेटेस्ट इवेंट अपडेट, साथ ही दोस्तों जो भी सिग्नल्स होते हैं मैं दोस्तों वहां पर प्रोवाइड करता हूं, और दोस्तों उस सिग्नल के थ्रू आप यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोकन के बारे में। तो यहाँ पर आप जब उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो TLM टोकन है ये बाइनेंस के लॉन्च पूल पे आने वाले हैं। तो टोकन के बारे में पहले हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल्स दी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूजर विल बी एबल टू स्टेक देयर BNB एंड BUSD इन टू सेपरेट पूल टू फॉर्म TLM टोकन ओवर 30 डेज। मतलब 30 डेज तक आपको यहाँ पर अपनी जो BUSD है या फिर BNB है उसे दोस्तों आपको यहाँ पर स्टैकिंग पे लगानी होगी। अब ये स्टैकिंग दोस्तों में किसी तरह का कंडीशन नहीं है, यहाँ भी ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का कंडीशन नहीं, आप जब चाहे इसे स्टैकिंग कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे अनस्टैकिंग कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो 7/4/2021 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है UTC टाइम के हिसाब से। तो ये अभी भी चालू है, मैं इसे भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर स्टैकिंग होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, बाइनेंस विल लिस्ट देन TLM इनटू द इनोवेशन जोन एंड 13/4/2021 को। मतलब दोस्तों ये जो टोटल प्रोग्राम चलेगी बाइनेंस लॉन्च पुल की, ये चलेगी 30 डेज तक। आई थिंक दो तीन दिन हो चुके हैं। और ये जो कॉइन लिस्टेड होगी TLM, वो जो कि जिसका नाम है एलियन वर्ड्स, ये दोस्तों टोकन लिस्टेड होगी 13/4/2021 को UTC टाइम के हिसाब से, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 5.5 घंटे आपको यहाँ पर बढ़ा देने हैं। कौन से पेयर्स पर लिस्टेड होंगे तो ये आप यहाँ पर देख ले, TLM BTC, TLM BUSD, TLM UST पेयर्स पर ये यहाँ पर लिस्टेड होंगे। BUSD अगर आपको नहीं पता तो BUSD में आपको बता दूं कि USD पेयर की तरह ये भी एक स्टेबल कॉइन है, जो कि बाइनेंस की कॉइन है। जिस तरह से USDT स्टेबल होती है और एक लिमिट के रेट पे ही चलती है, ठीक इस तरह से BUSD बिल्कुल उसको फॉलो करती है और USDT के रेट पे ही वो चलती है। तो टोकन नेम जैसा कि मैंने आपको बताया TLM एलियन वर्ड्स, और मैक्सिमम टोकन सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले टाइम पर क्या फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। तो पहले दोस्तों थोड़ा सा लॉन्च पूल के बारे में समझ लिया, लॉन्च पैड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्च पूल में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपको स्टैकिंग करनी होती है, लेकिन किसी तरह का कंडीशन आपको नहीं होता है। जो भी आप अमाउंट यहाँ पे लगाते हैं, जो भी अब स्टैकिंग पे लगाते हैं, चाहे वो BNB हो या BUSD हो, उस पर एक परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पर डेली 1 आवर के स्नैपशॉट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इस टोकन ये टोकन आपको मिलता रहेगा आपके अमाउंट के हिसाब से। कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी दोस्तों कोई कैलकुलेशन हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन बाइनेंस किस हिसाब से कैलकुलेशन करता है वो दोस्तों उनको पता होगा। तो अभी ये इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो आप अगर स्टैकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी तरह का डर है कि आप BNB अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो आपका लॉसेस हो जाएगा, तो आप BUSD को स्टैकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लॉसेस का चांस नहीं होगा। अब स्टैकिंग टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर समझ लें तो नो अपर लिमिट, नो KYC रिक्वायर्ड। लॉन्च पैड में क्या होता है कि जब भी आप लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर दोस्तों KYC आपको जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की KYC अगर अकाउंट नहीं भी है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर स्ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या स्ट्रैकिंग करने से आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं।
तो अगर आप बीएनबी यहां पर स्टेक करते हैं तो 80% आपको यहां पर रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर बीयूएसडी आप यहां पर स्टेक करते हैं तो 20% का रिवॉर्ड आपको मिलता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको बीएनबी पे आपको 8 रिवॉर्ड मिलते हैं, 8 पॉइंट मिलते हैं, 8 टोकन मिलते हैं, तो बीयूएसडी पे आपको 2 टोकन मिलेंगे। बीयूएसडी पे आपको कम मिलते हैं, बीएनबी पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। फार्मिंग पीरियड के बारे में बात करें, मतलब फार्मिंग पीरियड मतलब आप कब तक स्टेक कर सकते हैं, तो टोटल 30 डेज का टाइम दी है, जहां पर आप देख सकते हैं 7/4/2021 से लेकर 6/5/2021 तक आप इसे फार्मिंग कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ रेशियो वगैरह हुई है, दी हुई है, तो आप इसे भी यहां पे देख सकते हैं। यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे आप यहां पर पढ़ सकते हैं। स्नैपशॉट ऑफ यूजर बैलेंस एंड टोटल पूल बैलेंस विल बी टेकन ईच आवर टू कैलकुलेट यूजर रिवॉर्ड्स विच विल बी आल्सो अपडेटेड ईच आवर। तो जो भी दोस्तों आप यहां पर बीएनबी या फिर बीयूएसडी स्टेक करेंगे तो उसमें 1 आवर के हिसाब से जो भी आपका टोकन बनता है वो आपको मिलता रहेगा। यूजर विल बी अवेलेबल टू कैलकुलेट। दूसरी आप यहां पर कंडीशन देख लें तो कुछ और भी कंडीशन है जो कि आपको यहां पर देखना चाहिए। यूजर्स विल बी एबल टू एक्युमुलेट देयर रिवॉर्ड्स एंड क्लेम दीज रिवॉर्ड डायरेक्टली टू देयर स्पोर्ट अकाउंट एनी टाइम। मतलब 1 आवर के हिसाब से आपको यहां पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इस रिवॉर्ड्स को आप अपने स्पोर्ट वॉलेट में किसी भी समय आप यहां पर ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप अपने अमाउंट कभी भी अनस्टेक आप यहां पर कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो आप यहां पर बीयूएसडी या फिर बीएनबी दोनों में से किसी को भी स्टेक कर सकते हैं या फिर दोनों आप यहां पर स्टेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहां पे हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं हम टीएलएम टोकन के बारे में, इसकी दोस्तों फ्यूचर आपको क्या देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों टीएलएम टोकन को अगर आप कॉइन मार्केट कैप में सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं 82% का लगभग ग्रो यहां पे हो चुका है। अब इसकी अगर आप ट्विटर पे आप जाएं तो कुछ इस तरह का आपको देखते हैं इसकी कितनी आपको कमेंट्री देखने को मिल सकती है। कमेंट्री भी दोस्तों इसकी अच्छी खासी है यहाँ पे। और तो ये दोस्तों अपडेट वगैरह भी बराबर यहाँ पे आपको मिलती रहती है। आगे हम इसके बारे में बात करें तो आपको पता है कि जब भी नोटिफिकेशन आती है कि ये कॉइन को लिस्ट होने वाली है तो उस कॉइन का दोस्तों ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी बाइनेंस ने इसे लिस्ट नहीं किया है, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ये भी दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे। नीचे आप देखेंगे तो एनएफटी सपोर्ट है, गेमिंग सपोर्ट है ये, और इसकी मार्केट के बारे में अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई देख लेते हैं क्या सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है इसके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके मार्केट के और अच्छा तो ये दोस्तों सिर्फ mxc.com के एक एक्सचेंज है जो कि दोस्तों इस एक्सचेंज पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी अगर हाइप के बारे में हम बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले टाइम पे इसकी प्राइस आपको अप देखने को मिलेगी। अब किस तरह से आप देखने को आपको मिल सकती है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों कॉमन है यहाँ पे कि ये दोस्तों सिर्फ एक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है। अब जाहिर सी बात है मार्केट आप इसी एक एक्सचेंज पे जाएगी इसे कॉइन को खरीदने के लिए, तो इसका प्राइस आपको और भी अप देखने को मिल सकता है। दूसरी हाइप के बारे में बात करूँ तो एनएफटी सपोर्ट है, और आपको पता है एनएफटी सपोर्ट कितनी अच्छी यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन तीसरी अगर नेगेटिविटी के बारे में बात करें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि एक हाइप बनने के बाद काफ़ी अच्छा आपको डंप भी देखने को मिल सके। अभी दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट के बारे में बात करें तो 82% का लगभग गेन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये कॉइन आपको $1.5 या $2 में आपको अच्छे रेट आपको देखने को मिल सकती है। इस रेट में आप अगर लेते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये दोस्तों अभी लिस्टेड नहीं हुई है, लिस्टेड के बारे में बात करें तो ये दोस्तों आप देख सकेंगे यहाँ पे। तो ये कॉइन दोस्तों 13 तारीख को UTC टाइम के हिसाब से 6 बजे लिस्टेड हो जाएगी। अगर आप इसे इंडियन टाइम के हिसाब से करें तो 5.5 घंटे आप इसे ऐड कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते 13 तारीख को ये लिस्टेड होगी, तो और अभी यहाँ पे कुछ टाइम बाकी है इसे लिस्टेड होने पे। तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि इसका सिर्फ दोस्तों ये एक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये इसमें फंड आए, और फंड आने के बाद दोस्तों इसकी प्राइस आपको अब देखने को मिल सकती है। तब तक दोस्तों अगर इसकी हम प्राइस के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा पंप तो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसे बाई करना चाहें तो आप इस एक्सचेंज पे जाके बाई कर सकते हैं। ये दोस्तों एक्सचेंज का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं mxc.com। तो इस एक्सचेंज पे दोस्तों आप इथेरियम या फिर BTC/USDT डिपॉजिट करके आप चाहें तो इस कॉइन को बाई कर सकते हैं। हालांकि कोई तरह का फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है, जो भी करेंगे अपने रिस्क पे करें, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है कि लिस्टिंग से पहले ये अच्छा खासा थोड़ा हाइप बनाएगी। अभी धीरे धीरे दोस्तों इसकी हाइप बनना शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से 79% का ये ग्रो हुआ है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा डंप आएगी, $2 लगभग आ सकती है, तो उस समय भी या फिर $2.5 आ सकती है, तो चाहें तो आप उस समय भी बाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस नोटिफिकेशन में आपको यहां पर TLM बाइनेंस लॉन्च पूल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप तो अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से नोटिफिकेशन में चले जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल दोस्तों इस लॉन्च पैड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देखेंगे टोको क्रिप्टो के बारे में आपको बताया गया है। तो टोको क्रिप्टो के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉन्च पैड पे लॉन्च हो रही है। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो लॉन्च पुल आपको दिखेगा, लॉन्च पुल में दोस्तों TLM आपको दिखेगी, ये कॉइन आपको फ्री मिलेगी। आप कैसे मिलेगी ये यहां पर आप समझें। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो BUSD पुल आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्टेक करने का ऑप्शन है, BNB पुल का आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्टेक करने का ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास है, चाहे BUSD हो चाहे आप BNB हो, आप चाहो तो स्टेक कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों डिफरेंसेस क्या मिलेगी, कितने कितने मिलेगी तो मैं आपको बताऊँ। अगर आप BUSD में करते हो तो आपको जो भी आपको रिवॉर्ड होते हैं, जो भी आपको टोकन होते हैं, वो आपको कम मिलेंगे। लेकिन अगर BNB पे आप करते हो तो 80% आपको ज़्यादा मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ें कि अगर BUSD आपने यहाँ पर आपने अगर 500 BUSD आपने यहाँ पर स्टेक किया और आपने 500 USDT का BNB आपने स्टेक किया, तो दोनों के जो आपको टोकन होगा वो टोकन में डिफरेंसेस होगी, मतलब BUSD पे कम टोकन मिलेगी और BNB पे आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में जो भी आपका रिवॉर्ड बनता है वो सारा रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको ये टोकन दिखेगा। सिंपल आपको चाहो तो इसे स्पॉट वॉलेट में आप इसे लेके जा सकते हो। लॉन्च पुल के बारे में बात करें तो ये इन प्रोग्रेस 2 यहाँ पर दिख रही है, 28 डे 9 आवर का ये दोस्तों अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दोस्तों अभी टोटल टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 घंटे सभी चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वो सभी आप यहाँ पर देख लें। अभी भी चाहें तो आप इसमें स्टेक कर सकते हैं, BNB चाहो तो स्टेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी तरह का लॉकिंग नहीं है, तो जब चाहे आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। बाकी का मैं इसके टोकन के बारे में आपको बताऊं तो ये लिस्टेड होगी, तो जैसा कि आपको पता है बाइनेंस की मैनिपुलेशन चलती है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये आपको कम से कम $20 के साथ ओपन देखने को मिले। तो अगर ये $20 के साथ ओपन होती है तो ये तो डन है कि आपको ये $3 काफ़ी अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, आप इसमें बाय कर सकते हैं। $2 आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये $10 के साथ ओपन होती है तो मेरे ख्याल से फिर ये कम से कम $2 को टच करेगी। तो ये अब दोस्तों उस समय मार्केट में दोस्तों आप डिपेंड होगा कि किस तरह से इसकी मार्केट ओपन होती है। बाकी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस टोकन को भी आप अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसे होल्ड करते हो तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि आप यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट आप कर पाओ। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।